स्वागत है नया वीडियो में। मैंने जो आपको मैचडॉक नाम का शेयर बताया था, शॉर्ट वीडियो डाल रखी थी, कल भी बढ़ा था 10% अपर सर्किट के साथ बंद हुआ है, आज भी 10% बढ़ा है। टारगेट 1450 दिया था, 1590 आ चुका है। पहले भी कहा था ट्रेल मारना है, अब भी इसे ट्रेल मारते जाना है, स्टॉप लॉस बढ़ाते जाना है। 1650 पे थोड़ा सा बेच सकते हो थोड़े से शेयर, बाकी ट्रेल मारो दोबारा। अगर जब चार्ट बिगड़ेगा मैं वीडियो बना दूंगा कि जब सेल कर देना सारे शेयर, अभी होल्ड रखना है, कोई दिक्कत नहीं आने की। होल्ड रखो, लगातार 2 दिन भगवाया बहुत तगड़ा, 1310 पे दिलवाया था, कहाँ पहुंचवा दिया 1590 पे, चेक कर सकते हो रिटर्न, क्या प्यारा दिलवा दिया। मौज काट रहा होगा जिनने खरीदा होगा, जिनने नहीं खरीदा कोई बात नहीं। मैंने कल दिया था अपोलो टायर, अपोलो टायर देने के कारण मेरा ये था कि भाई एकमात्र ऐसा टायर लगा है इसके फंडामेंटल अच्छे लग गए। टेक्निकल तो बड़े प्यारा है, टेक्निकल दिखा देता हूँ, टेक्निकल बहुत प्यारा है। नीचे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, एक सेकेंड, चार्ट कहाँ हो गया, नीचे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, 5 मिनट के चार्ट है, ओ सॉरी 30 मिनट का लगाता हूँ, 30 मिनट रुको, 1 मिनट होल्ड मारो। 30 मिनट के चार्ट में क्या है, नीचे से यहाँ पे भी सपोर्ट आ रहा है, ब्रेकआउट दे चुका है, 427 से ऊपर क्लोजिंग आ गई है अपनी, 427 से ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। एंट्री बनवाई थी 426 रुपए के करीब, कहा था खरीद लो, जिनने खरीदा होगा ट्रेल मारते जाना है। नई पोजीशन अभी मत बनाना, अभी मत बनाना नई पोजीशन, बनाओ के लिए अगर ये शेयर नीचे मिलेगा 426 27 28 पे तब लेना, अभी मत बनाना। 433 हो चुका है, ओवरऑल हाई पे है, अभी भी ये निकलेगा अगर तुम्हें रिट्रेस मिले तो खरीदने का मौका होगा, वरना अभी मत लेना भाई, जब दिया था जब लिया नहीं होगा, अब लेने के चक्कर में मत भागना, थोड़ा रिट्रेस मारे तब ले लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा शेयर है, जाएगा ऊपर जाएगा। और एनालाइज कर लेते हैं कल के लिए निफ्टी और फिन निफ्टी। आज की पारी बड़ी प्यारी गई, निफ्टी और फिर निफ्टी बैंक निफ्टी तीनों के लेवल बता दूंगा कल के लिए, और आज जो मैंने ट्रेड करी है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। ट्रेड गई थी बैंक निफ्टी में, पुट में गया था शाम को और जल्दी निकल आया था, थोड़ा ये गलती हो गई थी। फिर निफ्टी में गया था कॉल में सुबह 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 करा था, फिर निफ्टी में एक और कॉल सुबह, निफ्टी में एक और कॉल, निफ्टी में कॉल, आज ज्यादा ट्रेड कर ली, 6 ट्रेड कर ली, इतनी मैं करता नहीं हूँ वैसे। आज का दिन सुबह तो स्कैल्पिंग का ही था, शाम को 2 बजे के बाद मार्केट गिरा है, जो मैं चीज समझाता हूँ उस पे ही काम हुआ है। आज जिस जिसने हैंगिंग मैन पे काम किया होगा बहुत पैसा छापा होगा, बड़ा प्यारा, बहुत मार्केट गिरा, मैंने 2 बजे पीसी बंद कर दिया था इसलिए मैं कर नहीं पाया, क्योंकि मेरा पहले ही रिटर्न मिल गया मुझे मेरे हिसाब से ठीक ठाक, फिर मुझे काम था थोड़ा, तो आज तो पोजीशन बस ऐसी रही, एक लॉस हो गया था वो काट दिया था जब भी। तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है, निफ्टी का बता देता हूँ, निफ्टी निफ्टी रेजिस्टेंस से ही नीचे गिरा है आज, 19,510 रेजिस्टेंस बना रखा, 19,510 पे, ठीक है 19,510 पे रेजिस्टेंस है निफ्टी का, ठीक है। नीचे जो तो सपोर्ट दिख रहा है ना मुझे, नीचे का सपोर्ट आपको मिल जाएगा 19,330 पे। अगर बाई चांस मार्केट कल गैप डाउन हो और कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाए तो कॉल में जाना है, ठीक है। अगर गैप डाउन नहीं होता, गैप अप होता है, तो फिर वेट एंड वॉच करना है, रेजिस्टेंस पार करेगा बहुत प्यारा मूव मिलेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया टारगेट आएंगे। अगर गैप अप हो, सुन लो दोबारा, गैप अप हो तो इंतजार करना, रेजिस्टेंस को तोड़ने देना प्यार से, रेजिस्टेंस तोड़ देगा अच्छा अच्छा लेवल आएगा, प्रॉफिट बनवाएंगे, कॉल में घुस जाना है रेजिस्टेंस टूटते ही। जैसे ही रेजिस्टेंस टूटेगा ऐसे ही बता देता हूँ, रेजिस्टेंस जैसे ही ये मार्केट गैप अप हुआ यहाँ पे मान लो, तो ये ऊपर आएगा, ये तोड़ देगा, नहीं तोड़ेगा यहाँ पे अगर पिन बार कैंडल बनेगी रेड वेड में, या हैंगिंग मैन बनेगी जैसे यहाँ बनी है, भी दिखा देता हूँ सामने, 5 मिनट के कैंडल पे ये बनी पिन बार कैंडल, मार्केट फॉल कर गया। अगर ऐसी कोई कैंडल बनेगी तो पुट में जाना है, रेजिस्टेंस से स्टॉप लॉस रख लेना कैंडल का हाई, ठीक है, पैसा छप जाएगा,
अगर रेजिस्टेंस तोड़ के रिट्रेस करेगा थोड़ा, जैसे रेजिस्टेंस तोड़ दिया, कोई बड़ी जब तोड़ता है बड़ी कैंडल बनेगी, पहली बता रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि मैं रोज ऐसे मैंने बहुत बार रेजिस्टेंस टूटते हुए देखा जितने दिन से हूँ, 2-3 महीने से, बढ़िया भरी हुई कैंडल बनेगी, उस पे मत घुसना, घुस गए लॉस हो जाएगा, रिट्रेस मारेगा, एंट्री बनाना है, टारगेट बड़ा मिलेगा, पहला टारगेट आ जाएगा 590 या 95 के बीच में, लगभग 90-95 मिल जाएगा, उसके बाद आपका खुला हुआ है, उसके बाद कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा मुझे इतना तगड़ा, यही है, यही रेजिस्टेंस बहुत भारी पड़ने वाला है, अगर तोड़ दिया तो मजा आ जाएगा कल, बहुत मजा आने वाला है कॉल में, और मुझे ज्यादा मजा कॉल में ही आता है यार, मैं फुट में कम घुसा आज, मैं फुट में टिका ही नहीं, अन्य तो बहुत पैसा बन सकता था, अच्छा नहीं लगता ना मार्केट गिरवाने में, किसी भी चीज को गिरवाने में मजा नहीं आता, बढ़वाने में बहुत मजा आता। तो गाइज मैं आपको बैंक निफ्टी बता देता हूँ क्या करना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अपनी, बैंक निफ्टी में भी यार ट्रेंड लाइन आ रही है, ऊपर से सीधा गिरावट बन रहा है यार, इसमें भी सपोर्ट तोड़ चुका है, क्लोजिंग पर सपोर्ट के आसपास है, इसमें भी आप देख लेना यार, इसमें क्या ही बताऊं, बड़ी वोलेटिलिटी थी इसमें, पूरे दिन कंसोलिडेट, एंड में 1 घंटे में गिर गई मार्केट, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर सपोर्ट पे है तो सपोर्ट से ऊपर खुलेगा तो कॉल में जाना है, रेजिस्टेंस यहीं आ जाएगा यार 45,140 का, ठीक है, तो यहाँ का टारगेट मिल जाएगा कॉल में, अगर इसके ऊपर रहा, अगर इससे नीचे गया तो टारगेट बता देता हूँ, बस टारगेट मिल जाएगा ये, और यार बहुत गंदा गिर जाएगा मार्केट कल, 44,290, मार्केट में 500 से पॉइंट की गिरावट आ सकती है बैंक निफ्टी में यार, ऐसे इतने दिन से गिरावट चल रही है, कितना गिरेगा रे, चलो फिर निफ्टी बता देता हूँ, फिर निफ्टी में क्या करना अपने को, फिर निफ्टी भी यार सपोर्ट पे ही बंद हुआ है, नहीं ये तो सपोर्ट से नीचे बंद हो गया भाई, ये तो गया रे बाबा, ये तो फिर गिरेगा, ये फिर सपोर्ट से नीचे बंद हुआ भाई, निफ्टी और बैंक निफ्टी बता दिया, फिर निफ्टी में आप देख लो, फिर निफ्टी में यहाँ देख लो 19,960 पे बंद हो रहा है, मतलब बिल्कुल सपोर्ट से थोड़ा नीचे ही है, या थोड़ा बराबर से ही मान सकते हो, 950 है सपोर्ट वैसे इसका, 960 पे बंद हो रहा है, सपोर्ट था 970 के करीब, तो यार ये 2-4 पॉइंट उससे नीचे ही बंद हो रहा है, हाँ 970 पे बंद है भाई, 969, हाँ ये भी सपोर्ट पे बंद हुआ गाइस, तो इसमें क्या करना है, ये भी वही बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में सेम बताया, जो बैंक निफ्टी में कहा है ना वही इसमें फॉलो कर लेना, और बस आज के लिए वीडियो इतनी ही रखते हैं, मैंने आपको अपोलो टायर की अपडेट दे दी, मैच डॉक की अपडेट दे दी, और एक मैंने PNB दिया था वो भी ऊपर ही है, 59 पे दिलवा रखा है, शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, चेक कर सकते हो, सब चीज़ चैनल पे पड़ी है, कोई दिक्कत ना, कोई झूठ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और आज के लिए बस इतना ही, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी सब समझा दिया, बढ़िया ट्रेड करेंगे कल, बुधवार है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, यार शेयर कर दो वीडियो को वहाँ ऐसे लोगों तक पहुँचा दो जो मार्केट में इंटरेस्टेड हो, करना चाहते हो कुछ शेयर मार्केट में, तो थोड़ा इंडिया में जागरूकता फैले कि मार्केट जुआ नहीं है भाई, इसमें भी कैंडलों का काम है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सारी चीज किताबों में है, सारी चीज आपके आंखों के सामने है, सब चीज कर सकते हो, बस थोड़ा पढ़ना होता है इसमें भी, जैसे किताबें पढ़ते हैं IAS YAS बनने के लिए, वैसी ये चीजें, इनकी भी किताबें होती हैं, किताबें होती है कैंडलों की, किताबें होती हैं चार्टों की, तो भाई चार्टों को चाटना पड़ता है तब जाके इतनी मेहनत करने के बाद कुछ सीखने को आता है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर जाना, जय श्री राम।